आज सन 2016 की सुबह सुबह मैं अपने मंत्रालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी ओर से नववर्ष की शुभकामनाएं देने आई हूँ। और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी है कि 2015 का वर्ष विदेश मंत्रालय के लिए बहुत उपलब्धियों से भरा वर्ष रहा है। हमने 4 तो बड़े बड़े आयोजन किए। 2015 की जनवरी के प्रारंभ में ही गांधीनगर में हमने प्रवासी भारतीय दिवस मनाया। चूंकि वो वर्ष गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से वापसी का 100वां वर्ष था, इसलिए बहुत बड़े स्तर पर वो आयोजन किया गया। उसके बाद हमने पैसिफिक आइलैंड के 14 देशों के राष्ट्राध्यक्षों का सम्मेलन जयपुर में किया। उनके प्रति हमारे मन में आदर का भाव देखकर वो सब अभिभूत होकर गए। उसके बाद भोपाल में हमने 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन किया, जिसमें लगभग 3000 हिंदी प्रेमियों ने भाग लिया। और पहले के 9 विश्व हिंदी सम्मेलनों के बारे में कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा इस बार भोपाल में हुआ। और इस सबके ऊपर आई इंडो अफ्रीका शिखर सम्मेलन, इंडो अफ्रीका समिट, जहाँ 54 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने पार्टिसिपेट किया, भागीदारी की, और भारत और अफ्रीका के साथ हमारी संबंधों की ऊंचाई बहुत बहुत बढ़ गई। मैं ये कहना चाहूँगी कि ये सारी उपलब्धियाँ आप लोगों के योगदान के कारण हम प्राप्त कर सके हैं। और इसलिए सबसे पहले पूरे वर्ष जो बधाइयाँ हमें मिलती रहीं देश के भीतर देश के बाहर, वो सारी बधाइयाँ मैं आपकी झोली में आज उंडेलना चाहती हूँ कि आप लोगों के कारण ही ये संभव हो जाए। इन बधाइयों के असली हकदार आप हैं। जिस लगन से, जिस परिश्रम से आप लोगों ने ये काम किए, चाहे वो प्रधानमंत्री जी की विदेश यात्राएं थी, अद्भुत हुई और उनके परिणाम भी अभूतपूर्व निकले। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, चारों ओर भारत में भी और भारत के बाहर भी ये बात कही जा रही है। और उस विदेश मंत्रालय की उपलब्धियों के लिए आपको श्रेय जाता है, आप इसके असली हकदार हैं, इसलिए मैं आपको बधाई देती हूँ। मुझे उम्मीद है कि 2016 2015 से भी आगे रहेगा। हम किसी और का नहीं, अपना रिकॉर्ड तोड़ेंगे, क्योंकि एक आदत हो गई है अब हम लोगों को एक तरह से काम करने की। उसी तरह से काम 2016 में आप करेंगे, पहले से ज़्यादा लगन से, पहले से ज़्यादा परिश्रम से। और जब 2017 की शुभकामनाएं देने का समय आएगा, तो और दुगनी खुशी से मैं आपके सामने आपको शुभकामनाएं देने आऊँगी। मैं इसी के साथ आपको अपने परिवार के लिए, आपके स्वयं के लिए और अपने देश के लिए ये नववर्ष मंगलमय हो, ये शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।